हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। टीम इंडिया के कैंप में खुशखबरी आई, विराट कोहली की टीम में वापस एंट्री कराई। जी हाँ, विराट कोहली, हम सभी को पता है कि पहला जो वार्म अप मैच था, हालांकि वो मैच होता नहीं है इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन वहां पर विराट कोहली अवेलेबल रहते हैं टीम इंडिया के लिए, टीम के कैंप के साथ ही जुड़े होते हैं। लेकिन अगला जो नेक्स्ट मैच होता है नेदरलैंड से, हालांकि वो मैच भी नहीं हो पाता है, वहां पर भी इंद्रदेव का प्रकोप जारी रहता है और बारिश होती रहती है, लेकिन वहां पर विराट कोहली टीम के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, उस मैच में वो आपको नजर नहीं आते हैं। लेकिन अब बड़ी अपडेट ये आ रही है कि विराट कोहली टीम के साथ अगेन जुड़ गए हैं वर्ल्ड कप शुरू होने से एक दिन पहले। हालांकि टीम इंडिया का मैच 8 तारीख को है, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक एक दिन पहले विराट कोहली वापस आ गए हैं। अब वो टीम इंडिया के साथ आपको नजर आएंगे। और अगर विराट कोहली की बात की जाए तो जो फर्स्ट वार्म अप मैच खेला था उसके अगले ही दिन या एक दिन बाद अपने पर्सनल रीजंस की वजह से वो वापस लौट गए थे, और हालांकि इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ है अभी कि क्यों लौट गए थे, क्या कुछ हुआ था। पर फिलहाल जो न्यूज निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि विराट कोहली टीम के साथ जुड़ गए हैं, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हुए नजर आएंगे, और जो कि एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर विराट कोहली को देखा जाए तो इस टीम के शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली वही खिलाड़ी है जिन्होंने 2011 में टीम इंडिया के साथ वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद वो चेज मास्टर बने, चेज मास्टर से लेकर टीम इंडिया के सबसे बड़े बल्लेबाज बने, रिकॉर्ड बनाए, कितने कीर्तिमान बनाए, और अब शायद आप देख सकते हैं कि आखिरी वर्ल्ड कप भले ही हो उनका ओडीआई वर्ल्ड कप, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है वो, जिस तरह की फॉर्म में है। और वीरेंद्र सहवाग ने ये भी कहा है फिलहाल कि विराट कोहली वो खिलाड़ी हो सकते हैं जिनके लिए शायद टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतना चाहे और जीते। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तो हर एक प्लेयर ये चाह रहा था कि हम वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर के लिए जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। और अब वही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विराट कोहली के साथ आपको नजर आए, क्योंकि विराट कोहली का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है, तो टीम इंडिया सारी की सारी कोशिश करेगी कि इस वर्ल्ड कप को जीते और विराट कोहली को एक जीत के साथ विदाई दे।